मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो है वो आपके जो सिलेबस पार्ट है उसमें पार्ट ए में है और ये 12 मार्क्स के रहेंगे। और उसके अंतर्गत अनसीन पैसेज को आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आज मैं आपको दो अनसीन पैसेज दूंगी और उनके आंसर भी दूंगी, लेकिन उसके पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करना है घर पर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस। ये है हमारा पैसेज नंबर 1 और इसको मैं रीड करूंगी। इसके क्वेश्चंस आपको हल करना है और इसके आंसर मैंने आपको इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में दिए हुए हैं। तो देखते हैं, एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम, ऑल्दो इट फंक्शंस ऑटोनॉमसली इट हैज लिंकेज विद द इकोनॉमिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस एंड अदर सब सिस्टम विथ एक्सर्ट अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द गोल्स ऑफ द एजुकेशनल सब सिस्टम। इसमें शिक्षा के बारे में बताया है कि शिक्षा जो है समाज के लिए बहुत उपयोगी है और ये बहुत सारे सब सिस्टम से जुड़ी हुई है जो कि हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। एजुकेशन कैन रेयरली फ्री इट्सेल्फ फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड हैज टू रिलेट इटसेल्फ टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। जो शिक्षा है वो अपने आप को किसी भी प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के कारण हमारी जो समाज सभ्यता है, हमारा जो समाज है, वो बहुत ज्यादा परिवर्तनों से होकर गुजर रहा, जिसमें से इसकी जो सिस्टम की जो कीमत है उस पर भी असर पड़ा है। वैल्यू ऑफ यस्टर ईयर्स हैव टेकन अ बैक सीट एंड मटेरियलिज्म करप्शन डिसऑनेस्टी एंड अदर नेगेटिव वैल्यू हैव कम टू द फोर। एट दिस जंक्शन ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन लाइक फैमिली स्कूल एंड कम्युनिटी शुड रियलाइज द एक्सप्लोसिवनेस ऑफ द सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आज पुराने समय की जो कीमतें थी, जो मूल्य थे, मानवीय मूल्य, वो सब बैक सीटेड हो गए, मतलब पिछले उसमें चले गए, हाशिए में चले गए। उसकी जगह भौतिकतावाद ने, भ्रष्टाचार ने, बेईमानी ने और बहुत सारी नकारात्मक कीमतों ने, नकारात्मक मूल्यों ने जगह ले ली है। क्यों ले ली? क्योंकि जो शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक संस्था जो है, जैसे कि हमारा परिवार, स्कूल, हमारे यहाँ का समुदाय, कम्युनिटी जो भी है, उसने खुद ही रियलाइज किया है कि आजकल इस सिस्टम में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ रहा। इट इज राइटली सेड वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट। ये सही बात है कि मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, उनको कॉट यानी खींचा जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, दिया जा सकता है, लोग इसको खींच सकते, स्वयं में आत्मसात कर सकते हैं। ऑल द एजेंसीज शुड बिकम रोल मॉडल इफ वी वॉन्ट अवर यूथ टू बी द राइट पाथ। एब्सेंस ऑफ अ कंजेनाइल एंड लविंग एटमोसफेयर एंड क्वारल अमंग पेरेंट्स आर द मेजर हर्डल्स इन दिस डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी संस्थाएं हैं उनको एक रोल मॉडल, एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा आज के युवा वर्ग में, तभी हम सही रास्ते पर जा सकते हैं। हमारी संज्ञानात्मक सोच और प्यार भरे माहौल ने क्या कर दिया के बिना हमारे जो पेरेंट्स के बीच में जो झगड़े होते हैं उन सब ने इस डायरेक्शन को और बढ़ावा दिया है। इन अ नटशेल द फैमिली हैज सीज्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल एस्थेटिक एंड स्क्वीज्ड मोरल एजुकेशन। शुरू से ही अगर कहा जाए तो जो परिवार है वही जिम्मेदार होता है किसी भी बच्चे के अंदर कल्चरल, साहित्यिक, एस्थेटिक, धार्मिक, स्क्वीज्ड
स्क्वीज्ड मोरल एजुकेशन, और नैतिकता की शिक्षा समाज और परिवार से ही मिलती है। ऑन द अदर हैंड फॉर्मल एजुकेशन इज बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। द टीचर हैज बिकम अ बिजनेसमैन डूइंग प्राइवेट ट्यूशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग। रेस फॉर डिग्रीज एंड जॉब्स हैज डिटेरियरेटेड द सिचुएशन फर्दर। अब क्या कहा जाता है कि जो औपचारिक शिक्षा जो है उसमें क्या हो गया, सिर्फ औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य हो गया याद रखना और एक यंत्रवत रूप से स्थापित रहना। जो शिक्षक हैं वो भी क्या हो गए हैं, एक प्रकार से बिजनेसमैन हो गए हैं जो कि प्राइवेट ट्यूशन चलाते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन में अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। आज डिग्रियों के पीछे लगी हुई दौड़ और जॉब यानी रोजगार प्राप्ति की दौड़ में इस कीमत को, इस शैक्षिक मूल्यों को और भी ज्यादा विनष्टीकरण की ओर बढ़ा दिया है। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 has shown concern on this regard when it says the growing concern over the erosion of essential values and any creating cynicism in society has brought to focus the need for readjustment in the curriculum in order to make education a forceful tool for the cultivation of social and moral values. नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से 1986 में उन्होंने ये कहा गया कि आज के हिसाब से हमको वास्तविक जो आवश्यक मूल्य है जीवन के उनको हमेशा बढ़ावा देना चाहिए और सोसाइटी को भी बढ़ावा देना चाहिए, और इसके लिए पाठ्यक्रम में इस हेतु सुधार करने की जरूरत है क्योंकि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो एक बहुत प्रभावशाली और फोर्सफुल टूल है नए प्रकार से सामाजिक और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्योंकि ये हायर सेकेंडरी लेवल 12th क्लास का है इसलिए पैसेज थोड़ा बड़ा है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी रहेंगे। द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स कंप्लीट ओवरऑलिंग। इफ एट ऑल वी द सिटीजंस आर डिजायरस ऑफ थ्वार्टिंग डिटेरियरेशन इन वैल्यूज, teaching at all levels must emphasize on moral education and character building. Intellect without wisdom can be suicidal. अब क्या बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा जो शिक्षा तंत्र है उसको पूरी तरह से ओवरहॉलिंग यानी पुनः सुधार आवश्यक है हमारे जैसे नागरिकों के होते से। हम नहीं चाहेंगे कि शिक्षा क्या हो, डिटेरियरेट हो या विनष्टीकरण की ओर अग्रसर हो। शिक्षा के, शिक्षण के सभी जितने भी सोपान है उन सबको हमको पूरा करना पड़ेगा, उस पर जोर देना पड़ेगा, तभी हम नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण वाली शिक्षा को बिना उसके नहीं पढ़ा सकते, नहीं तो ये बहुत घातक सिद्ध होगी। अब देखिए ये जो पैसेज हमने पढ़ा इसको आपको 2 से 3 टाइम बहुत अच्छे से पढ़ना है, पहले समझना है, मेन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके रखना है, देन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के आंसरिंग करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर आपको लास्ट स्लाइड में दिए हुए हैं, लेकिन पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सिनोनिम फॉर सेल्फ गवर्निंग। सेल्फ गवर्निंग का पर्यायवाची इसमें क्या है, अब आपको ये समझना पड़ेगा। इसके बाद बी क्वेश्चन है आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देम। इसमें से दो में से कोई, चारों में से कोई एक सही है जो हम पढ़ चुके हैं। सी देखो, वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, दे आर रीड स्नेच्ड परचेस्ड कॉट। आपको इसमें जो आंसर पैसेज से मिला के सही लग रहा है उसमें आप टिक करेंगे। डी देखिए, इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी प्रेजवर्दी, अप्रिशिएटेड, एडमायर्ड, सुसाइडल। तो आपको जो सही आंसर है इसे यहाँ पे लिखा है विदाउट विजडम कैन बी सुसाइडल, इसके हिसाब से आप आंसर में टिक करेंगे। गिव द वर्ड फॉर प्लीजेंट। प्लीजेंट का वर्ड या शब्द बताना है मिलता जुलता, इसमें दिया हुआ है। एफ देखिए, गिव द वर्ड फॉर टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पर भी इनके आंसर्स हैं, इसमें से आपको सही आंसर पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, यहाँ पर हमने इसके आंसर टिक करे हुए हैं। अब चलते हैं हम, गिव अपोजिट ऑफ फोर्सफुली,
उसका आंसर लिखेंगे आप, गिव द वर्ड फॉर एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इन नेचर फ्रॉम द पैसेज, इसका भी आंसर इसमें है। और क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस आपको दो दिए रहेंगे, इसमें है व्हाट हैज हैपेंड टू फॉर्मल एजुकेशन, 2 मार्क्स का रहेगा। अगेन क्वेश्चन नंबर जे जो है, व्हाट आर द मेजर ऑब्स्टिकल इन एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन वैल्यूज, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो कि 2 2 मार्क्स के हैं, ये आपको आपके पैसेज में मिलेंगे। बच्चों हमेशा शॉर्ट आंसर लिखना नहीं, एक लाइन में आंसर लिख करके मत छोड़ना, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से नहीं पता होगा कि पूरा आंसर किस शब्दों में कंप्लीट होगा, इसलिए पूरा उस चीज के बारे में कम से कम 2 लाइन आप उस पैसेज से आंसर बनाते हुए आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पर पीछे वाली स्लाइड में इसके आंसर दिए हुए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये बीच में आ गया है आंसर वाली स्लाइड, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरे आंसर दिए हुए हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं सेकंड पैसेज पे, अगेन फिर से वही, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, तब हम पैसेज पढ़ेंगे। लाइफ इज अ स्ट्रगल, वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स, इफ वी रेस्ट वी रस्ट, इफ वी वर्क वी शाइन लाइक ज्वेल्स, एडवेंचर्स आर द एसेंस ऑफ लाइफ बट एक्शन ऑल्सो एंटेल्स कंटेम्पलेशन, प्रॉपर एक्शन नीड्स द इनिशिएटिव, नेपोलियन टुक द रॉन्ग इनिशिएटिव एंड ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ फ्रांस, प्रॉपर एक्शन इज ऑलवेज टेकन बाय द वॉइस पर्सन, द वॉइस पर्सन ऑलवेज फोर शेडो द हार्डशिप्स ऑफ फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पॉलिसी, दे बिकम पैसिव वेन दे फॉरकास्ट दैट देयर एफर्ट्स आर एट स्टेक, all great leaders and diplomats take the step keeping in view their proper reputation. अब क्या बोल रहा है, जीवन क्या है, एक संघर्ष है, हम अपने कार्यों से जिंदा रहते हैं ना कि सालों में जिंदा रहते हैं। लोग सोचते हैं जितना व्यक्ति अपने कालों से दीर्घकालिक जीवन जीता है, इफ वी रेस्ट यदि हम आराम करते हैं, वी रेस्ट हमें जंग लग जाएगी, इफ वी वर्क यदि हम काम करते हैं, वी शाइन लाइक ज्वेल्स हम किसी एक आभूषण की तरह चमकते हैं, एडवेंचर जीवन में एडवेंचर्स आना हमारे जीवन का एसेंस है, जीवन का वो खुशबू है हमारे अंदर की, सही तरीके से लिया हुआ निर्णय हर एक चीज को शुरुआत का दौर करता है, नेपोलियन ने गलत शुरुआत की जिसके कारण वो डाउनफॉल ऑफ फ्रांस के लिए जिम्मेदार था, प्रॉपर एक्शन इज ऑलवेज टेकन बाय द वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सही क्रिया करता है, सही एक्शन लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा हार्डशिप यानी कड़ी मेहनत के बाद ही कोई नीति को तैयार करता है और वह हमेशा उसी चीज को आगे एफर्ट्स करते हैं ताकि वो आगे उस काम को बढ़ा सके। जितने भी महान लोग हुए हैं उन सभी ने अपने प्रॉपर एक्शन लिए हैं और प्रॉपर रेपुटेशन बनाई रखी है अपने कार्यों की। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, अब ये एक प्रोवर्ब है, हमको तभी चोट करना चाहिए जब लोहा गर्म हो। सम पर्संस टेक द स्टेप्स हैफाजली विद द रिजल्ट दैट दे लॉस द अपॉर्चुनिटी एंड दस दे आर ट्रीटेड एज फूल्स, कुछ लोग क्या करते हैं हड़बड़ाहट में जल्दी से कोई ना कोई एक्शन करते रहते हैं जिसके कारण वो कैसे मूर्ख समझे जाते हैं। एंजल्स आर वाइज पीपल एंड आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्शन, लोग जो होते हैं अच्छे वो क्या करते हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति पर्टिकुलर एक्शन एक पर्टिकुलर समय पर लेता है। इट हैज बीन द एम ऑफ ऑल फिलोसोफर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ये सभी जितने महान दार्शनिक हैं उन्होंने पूरी दुनिया को समझने के लिए यही काम किया है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दे मूव वेरी ग्रेजुअली एंड नॉट लाइक फूल्स हु प्लंग इन टू द सिचुएशन विदाउट, उन्होंने बहुत ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे क्रमशः आगे अपने स्टेप बनाए, उन मूर्खों की तरह नहीं जो सिचुएशन के बीच में ही कूद पड़ते हैं और काम नहीं कर पाते हैं। मिस्टर अयूब खान अंडर भुट्टोज इन्फ्लुएंस प्लंज्ड इनटू वॉर विथ इंडिया इन्फ्लिंग डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमैनिटी, अवर एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री गॉज द सिचुएशन, ही रिस्पॉन्डेड टू द चैलेंज ऑफ पाकिस्तान एंड वॉन द बॉटल, fools always meddle with the situation without bringing about any change,
बट वाइज पर्सन पेनिट्रेट इन टू द मैटर एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। अब यहाँ क्या बता रहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो बिना सोचे समझे ही सिचुएशन को बाह्य तौर पे जाने बिना ही उससे निपटने की कोशिश करते हैं। जो कि मिस्टर अयूब खान जो थे, जिन्होंने भुट्टो, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री भुट्टो थे, उनके इन्फ्लुएंस में आकर, उनके प्रभाव में आकर उन्होंने किससे युद्ध ठान लिया, इंडिया के साथ में किया। लेकिन हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने उस सिचुएशन को समझा, उनके बारे में पूरी रणनीति बनाई और उसके बाद ही वो पाकिस्तान को उस युद्ध में हरा पाए। मूर्ख जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सिचुएशन के बीच में बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो सबसे पहले उस मैटर, जो सिचुएशन है, उसके बीच में पहले झांकते हैं, समझते हैं, उसके बाद उचित निर्णय लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है जो कि आपको नैतिक रूप से भी शिक्षित कर रहा है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लाइफ इज इजी, लाइफ इज पीसफुल, लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज प्रेशियस। क्या है यहाँ पर? तो मुझे लगता है कि हमने पहले पैरा में पढ़ा था लाइफ इज अ स्ट्रगल। सेकंड देखो, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट इज अ, लोहे पर चोट जब करो जबकि लोहा गर्म हो। ये क्या है, स्लोगन है, पोम है, प्रोवर्ब है या स्टेटमेंट है? तो ये प्रोवर्ब है। इसी देखो, सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज, कुछ लोग मूर्खों की तरह माने जाते हैं या उनको ट्रीट किया जाता है। क्यों? They act like philosophers, they act like wise person, they act haphazardly, all of above. मुझे लगता है आपने इसमें पढ़ा है पैसेज में, they act haphazardly. B देखो, the passage implies that, ये जो पैसेज है ये किस पर होता है? One should act quickly, understanding should proceed action, fools penetrate into the matter, none of these. इसमें से जो आपको सही लगता है आप उसको आंसर करेंगे। ये देखो, नाउन फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेट इज, कंटेम्पलेट का नाउन फॉर्म आपको इसमें बताना है, जो है कंटेंट, कंटेम्पलेटेड, कंटेम्पलेशन, कंटेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपोजिट ऑफ राइज इज, राइज यानी उदय होना, तो उसका अपोजिट वर्ड यानी विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? सेट, प्रोग्रेस, प्रमोशन, डाउनफॉल। जी देखो, वर्ब फॉर्म ऑफ पेनिट्रेशन इज पेनिट्रेट, पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेबल। इन चारों में से कौन सा है वो आपको आंसर करना है। एच देखो, द एम ऑफ फिलोसोफर इज, दार्शनिकों का उद्देश्य क्या रहता है? टू बी लाइक एंजल्स, टू एक्ट लाइक भुट्टो, टू एक्ट लाइक अयूब खान, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। फिर इसके बाद दो दो मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो जरूर देखिए। When should we strike the iron? Who responded to the challenge of Pakistan? ये दोनों के आंसर बहुत सरल हैं, इसी पैसेज में छुपे हुए हैं और यहाँ पर हमने इस स्लाइड में सेकंड पैसेज के आंसर दिए हुए हैं। पहले आप सबसे पहले पैसेज को पढ़ो, पैसेज के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो। जब आप पैसेज के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हल कर लें, उसके बाद इससे आप अपने आंसर्स को टैली करें कि आप कितना सही कर रहे हैं। यदि कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधारें। लेकिन बच्चों, अनसीन पैसेज ये सोच करके कि हम एग्जाम में जाके कर लेंगे, वहां पे हम सही कर लेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू बच्चों।